मित्रों, दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इन रहस्यों का समाधान आज भी नहीं किया जा सका। बात अगर हिमालय के पहाड़ियों की करें तो इसमें रहस्यों का भंडार छिपा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं हैं जो क्या हैं और क्यों हैं? इन सभी सवालों पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हिमालय के वादियों की एक ऐसी ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की वीडियो में हम ज्ञानगंज मठ की बात कर रहे हैं। हिमालय में स्थित ये एक छोटी सी जगह है, जिसे शांग्रीला, संभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। मित्रों, ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिमालय पर्वत में सिद्ध आश्रम नामक एक आश्रम है, जहाँ सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बती लोग इसे ही संभल की रहस्यमय भूमि के रूप में पूछते हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्ध आश्रम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेकों प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। इसी के साथ मैं मित्रों आपको बता दूं कि वाल्मीकि जी की रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसे सिद्ध आश्रम कहा गया है। इसके एक ओर कैलाश मानसरोवर, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। मित्रों, स्वयं विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा आदि के कहने पर इस आश्रम की रचना की और ये भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, माँ आनंदमयी और निखिल गुरुदेव आदि दैवीय विभूतियाँ सिद्ध आश्रम में का शरीर विद्यमान है। ज्ञानगंज के नाम से प्रसिद्ध एक रहस्यमय धर्मोपदेश माना जाता है, जो एक परंपरा के अनुसार हिमालय में एक गुप्त भूमि में स्थित है, जहां महान योगी, साधु और ऋषि रहते हैं। सिद्ध आश्रम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। यद्यपि कोई भी साधु, सन्यासी, यति, भिक्षु और योगी किसी भी नाम से सिद्ध आश्रम को जानते होंगे या विभिन्न पंथों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पूजा या साधना विधियों का उपयोग किया होगा। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्ध आश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार ये भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्ध आश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि हिमालय की इस जगह में 12 फीट के आदमी और कई हजारों वर्षों की आयु और हर किसी के पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं और यह हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग जैसे स्वर्ग लोक है। इस विचित्र जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कई लोगों का मानना है कि ये जगह हिमालय में मौजूद है पर किसी को दिखाई नहीं देती। मित्रों, आज का हमारा साइंस और सैटेलाइट भी पता नहीं लगा पाया है। हिंदू धर्म के वेदों में, पुराणों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा गया है और ये जगह हिडन सिटी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बारे में महाभारत से मिलती एक कथा भी है। कुरुक्षेत्र में पांडव के जीतने के बाद पांडव अपने जीवन काल के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण जी से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी उन्हें संभला जगह के बारे में बताते हैं, मतलब इसी सिद्ध आश्रम के बारे में, और उस जगह पहुंचने का बहुत कठिन मार्ग बताते हैं। इस कठिन मार्ग को जानने के बाद भी 5 पांडव सहित एक कुत्ता इस यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलता से उस जगह पर पहुंच पाते हैं। मित्रों, हमारे पुराणों में भगवान शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत बताया गया है। कहा जाता है कि वो इसी जगह के निकट है। शंभला जगह के बारे में ये तक कहा गया है कि वहाँ पर रह रहे मनुष्य को किसी भी प्रकार का रोग, पीड़ा, दुख कुछ भी नहीं होता है और वहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में क्षण में ही पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार 8 पंखुड़ियों वाला कमल फूल का आकार होता है, ठीक उसी तरह का संभाला नगर का भी आकार बताया गया है और वहाँ के लोगों की आयु कई हजारों साल होती है। उस जगह पर देवी देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है और उस जगह पर केवल धर्म का ही पालन होता है। ईसाई धर्म के अनुसार इस जगह को लैंड्स ऑफ वाइट वाटर भी कहते हैं, तो वहीं चीनी लोगों को भी इस जगह के बारे में मालूम है। मित्रों, तानाशाह हिटलर ने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अपने गुप्तचरों को इस रहस्य की खोज के लिए भेजा था और वहाँ कई सारे प्रयोग करवाए। उस समय के वैज्ञानिक मैडम ग्लेविट को और वहाँ के लोगों को इस सारी योजना के बारे में पता चला तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई थी। लेकिन हिटलर के प्रयास के पश्चात
कुछ भी प्राप्त नहीं होने के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मित्रों, अभी के इस आधुनिक युग में अंतरिक्ष में लगे सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी पर पढ़े जाने वाले किताब के अक्षर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन ऐसी तकनीक होने के बावजूद इस शंभाला जगह को नहीं देख सकते। आज भी कई लोग ये जगह हिमालय में होने का दावा करते हैं, तो वहीं कुछ लोग काल्पनिक समझकर टाल देते हैं। लेकिन मित्रों, साइंस के मुताबिक ये जगह हमारी धरती पर ही कहीं हिमालय में दब गई है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।